किया था पिछली वीडियो में। आज अपने करेंगे ग्राफीय विधि से गति के जो समीकरण होते हैं ना, उनको अपने निकाल के बताएंगे कि कैसे आए, किस तरीके से आए। सबसे पहले इनको करने से पहले समझ लो कि गति की समीकरणें कितनी होती हैं। गति के अपने पास तीन समीकरणें होती हैं। पहली v बराबर u प्लस at, दूसरी आएगी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरी आएगी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये तीनों अपने गति की मतलब तीन समीकरणें कही जाती हैं, ठीक है। प्रथम समीकरण गति की, द्वितीय समीकरण गति की, तृतीय समीकरण। ये तो चलो समझ आ गया। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो हमने मतलब चीजें लिख रखी हैं ये क्या है। सब कुछ v है, तो v क्या है? अंतिम वेग। u अपना प्रारंभिक वेग, पीछे भी पढ़ चुके हैं। t आ गया समय, a त्वरण, s दूरी। s को कैसे लिखेंगे अपने यहाँ पे? दूरी से। तो अपने ये तीनों समीकरण आज अपने निकाल के बताएंगे कि किस तरह से अपने ग्राफ से जो है अपने इनको निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गति के प्रथम समीकरण की। गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण तो है, लेकिन इसको अपने ग्राफ में अगर निकाल दें ना, इसका एक और नाम हो जाएगा। यहाँ पे एक नंबर ही डाल लो या एक नंबर डाल लेना, आपकी देख लेना, ठीक है। वेग, समय में संबंध दर्शाने वाले समीकरण भी कहते हैं अपने इसे। वेग, समय, संबंध समीकरण, ठीक है। गति का प्रथम समीकरण तो कहते ही कहते हैं, लेकिन साथ में इसको क्या बोलते हैं अपने? वेग, समय, संबंध समीकरण। अब मैंने वेग, समय, संबंध समीकरण है किसके द्वारा ज्ञात करना है अपने को? ग्राफीय विधि से। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना के रखा है, ठीक है। ग्राफ तो है अपने पास, उससे पहले एक डेफिनेशन सुन लो कि ये गति की तीनों समीकरण कब लागू होती हैं? जब अपने पास जो त्वरण है या जो भी कोई वस्तु है एक समान चाल से चल रही है, जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है वैसे वैसे उसी टाइम पीरियड में टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसका आप लोगों ने पहले जो ग्राफ प्लॉट किया था कैसे थी? बिल्कुल एक सरल रेखा आई थी। तो देखो यहाँ से इन्होंने जैसे चलना शुरू किया, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है? वेग बढ़ रहा है। तो क्या आ गया अपने पास? एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो अपने पास एक सरल रेखा प्राप्त हुई ए बी। अब अपने ग्राफ का निरूपण करना था, तो क्या किया? टाइम टी इस पे लंब डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इसको किससे मिला दिया? वेग बी से मिला दिया। ये दोनों लाइनों की बात कर रही हूँ मैं, कैसे बना है ग्राफ वो समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये अपने पास एक आकृति प्राप्त हो गई। अब बात करते हैं इनको नाम देते हैं ए बी, यहाँ लिख लो सी डी, ठीक है। ये बच गया, इसको ई कह लो, बाकी सबका नाम हो गया। अपनी सुविधा से रख सकते हो कैसे भी, ए बी सी डी ई और ओ, ठीक है। अब बात करते हैं इधर देखो, वेग, समय में संबंध दर्शाने वाली समीकरण। वेग में अगर परिवर्तन होगा किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, तो वो परिवर्तन वो त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पे अपने फॉर्मूला किसका लगेगा? त्वरण का। त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन किसके जो है सापेक्ष? समय के, ठीक है। तो अपने इसका मान रखेंगे वेग में परिवर्तन। देखो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे u आ जाएगी, क्योंकि यहां से जैसे चलना प्रारंभ किया तो प्रारंभिक वेग क्या होता है अपना? u, ठीक है। अगर यहाँ पे आके अपना वेग चेंज हो गया तो उसके बाद ये पूरी जो है यहां से लेके यहां तक एंड तक क्या होगी? ये v ओ ए, सिर्फ इतना सा यू, उसके बाद यहाँ से ओ से लेके ई तक क्या आ जाएगा अपना? वी। वी क्या होता है? अंतिम वेग, ठीक है। उसके बाद अपने ये देखो ओ से सी तक क्या है? टाइम, समय दर्शा रहा है, तो इसको अपने क्या लिखेंगे? टी है। ओ सी किसके बराबर है? ए डी के बराबर है। जितना ये बड़ा है उतना ये है, तो ये इसको भी अपने क्या कह देंगे? ये भी क्या है? टी है। अब देखो रखो मान, वेग में परिवर्तन कहाँ से हुआ? देखो यहाँ से मान लो इसके बराबर ही ये लाइन है, मतलब यहाँ से जैसे चलना शुरू किया तो यहाँ आके इसके वेग में परिवर्तन हो गया, ये शो कर रहा है वेग में परिवर्तन। तो अपने क्या लिखेंगे यहाँ पे? बी डी। बी डी दोबारा समझो, यहाँ तक तो प्रारंभिक वेग यू से ही चल रहा था, यहाँ आके जो अपना वेग है वो चेंज हो गया, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अपना अंतिम वेग यहाँ
डीडी या डीबी कुछ भी लिख लो। उसके बाद लग गया समय, समय ओ सी लिख लो चाहे ए डी लिख लो क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, तो ए डी लिख लो। ठीक है, ए डी का तो पूरा पूरा मान अपने को पता है कि क्या है, यहाँ पे टी है, लेकिन डी डी का मान क्या है? देखो डी डी ये इसके बराबर है, मतलब ए ई का मान चाहिए, लेकिन ये पूरा क्या है? पूरा तो वी और यहाँ तक क्या है यू, वी प्लस यू, ये पूरी लाइन बन गई, लेकिन अपने को कितना मान चाहिए? सिर्फ ए से लेके ई तक। तो अपने क्या करेंगे, अगर इस पूरी लाइन में से इतना माइनस कर दे तो अपने पास ये बच जाएगा, तो इतना पूरा कितना है वी, ओ से ए तक के मान कितना है यू, तो अपने क्या करेंगे वी में से क्या माइनस करेंगे यू, मतलब तो इसको पहले क्या लिखोगे वी माइनस यू। ठीक है, त्वरण को अपने कैसे लिखते हैं, ए से ए बराबर समीकरण लिख लो वी माइनस यू अपॉन में टी, तिरछा गुना कर दो टी कहाँ आ जाएगा इस साइड, ए टी बराबर वी माइनस यू, अपने को पता है कि अपने को समीकरण चाहिए पहले वाली, तो यहाँ क्या है वी पॉजिटिव है, यू को इधर लिया तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ लिखो वी को पढ़ा रहे तो यहीं पे यू को इधर लेके जाओगे माइनस का किसका आ जाएगा प्लस का, यू प्लस ए टी, ये लो आगे आपकी गति की प्रथम समीकरण, कौन सी समीकरण आगे गति की प्रथम समीकरण, वी बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, वो भी किससे, ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, इतना तो चलो समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे समीकरण की, ये मैं समीकरण नहीं मिटा रही हूँ क्योंकि आगे काम आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बी पॉइंट की, बी पे कौन सी है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ वन बटे दो ए टी की स्क्वायर। अब ये गति की इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय समीकरण तो बोलते हैं, लेकिन अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो ये किस किस में संबंध दर्शाती है, ये दर्शाती है समय और स्थिति में, कि वस्तु की करेक्टर्स जो है स्थिति कहाँ पे है वो बताएगी, समय स्थिति में संबंध समीकरण। समय स्थिति में संबंध समीकरण दर्शाएगी आपको। ठीक है, अब कैसे दर्शाएगी, देखो अपने क्या करें, समय स्थिति में संबंध जो आपने उसकी दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, एस बराबर क्या अपने ले रहे हैं दूरी होती है, एस को अपने दूरी से लिखते हैं। ठीक है, तो एस निकालना है अपने को, तो अगर अपने क्या करें इसका पूरे का क्या करें, देखो अरे इसका पूरे का नहीं, ये तो अपने लंब डाला है, इसको छोड़ो वे को छोड़ो, अपने क्या करें इनको ले और साथ में ये जो दो आकृतियां हैं अपने पास इनका अगर अपने क्षेत्रफल ज्ञात कर ले तो मतलब अपने पास क्या आ जाएगी दूरी, क्योंकि देखो वस्तु ए से चल के कहाँ पहुंची है बी तक पहुंची है, बी से उन्होंने जो है ये लाइनें खींची है या लंब डाले हैं जो भी कह लो। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे ये इसकी जो आकृति इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, देखो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, ये आकृति नंबर एक ये आकृति नंबर दो, अब इसको लिखो दूरी के बराबर लिखो, ज्ञात तो क्षेत्रफल कर रहे हैं लेकिन किसके बराबर होगा, त्रिभुज ए बी डी, पहले जो आकृति है त्रिभुज की है, देखो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस, देखो ये तो अपने आ गया त्रिभुज, ये नीचे क्या बन रहा है अपना आयत बन रहा है, आयत कौन सा, देखो ओ ए डी सी या ओ सी डी ए जो मर्जी नाम लिखो, देखो लिखते हैं आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल, अपने इन दोनों का क्षेत्रफल याद करना है, दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल अपने पास जो एरिया है जितना से कार के द्वारा या जो भी अपने कह रहे हैं चीज चल रही है उसके द्वारा कवर किया वो अपने पास आ जाएगा। अब देखो दूरी को किससे लिखते हैं, ऐसे त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, एक बटा दो गुना आधार गुना ऊंचाई प्लस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, सिंपल सा होता है। एक और चीज है ये फॉर्मूले याद रख लेना, छोटे छोटे से ये काम आएंगे सभी में। चलो ये तो दो चीजें आ गई अपने पास। ठीक है, एस बराबर हाफ, अब मान रखते हैं ठीक है त्रिभुज है अपना, त्रिभुज का आधार क्या बन रहा है ए डी
और ऊंचाई क्या आ जाएगी BD। लिख दो यहाँ पे AD आधार, ऊंचाई क्या आ गई अपने पास BD प्लस है बीच में। अब आयत पे पहुंचो दूसरी आकृति पे, लंबाई कितनी है इसकी, चाहे तो AD लिख लो चाहे OC लिख लो बराबर ही है, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी OA ले लो चाहे CD ले लो, ठीक है, क्योंकि आपने सामने की भुजाएं आयत में समान होती हैं। लंबाई लिखो इसकी, लंबाई कितनी आ गई AD * चौड़ाई OA। अब इतने मान रख दिए आपने, रखो मान देखो S बराबर 1/2 AD। AD देखो कहां ये रहा AD, क्या है AD का मान भी * BD। देखो BD अपनों ने पहले समीकरण में किया था कि ये टोटल कितना है O से लेके E तक या C से लेके D B तक U प्लस V है, अगर इसमें से पूरे में से अपनी U माइनस कर दें तो अपने पास BD का मान आ जाएगा, तो क्या करोगे V माइनस U, पीछे अपनों ने किया है ये सेम देख लेना, प्लस AD, देखो AD क्या है अपने पास P प्लस OA, OA क्या है अपने पास U, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या अपने पास U है, ठीक है। अब आगे करो 1/2 T आ गया, अब V माइनस U है, पहले समीकरण देखो यहाँ साइड में कर लेना, V बराबर क्या होता है U प्लस AD, U को इधर लिया क्या हो गया V माइनस U बराबर AD, देखो V माइनस U यहाँ है V माइनस U यहाँ है दोनों साइड, तो इसका मान क्या रख देंगे अपने AD, कहाँ से ज्ञात हुआ गति की प्रथम समीकरण से, रखो मान T है वहां क्या जाएगा इंटू AD प्लस में क्या है UT, दोनों का गुना कर दो S बराबर क्या आ जाएगा हाफ A, एक T ए रहा एक T ए रहा तो क्या आ जाएगा T किसके है प्लस UT, ये आ गया आपकी गति की द्वितीय समीकरण आ गई, या इसको कह सकते हो समय स्थिति में आपका संबंध आ गया किसके अकॉर्डिंग ग्राफ के अकॉर्डिंग। आज अपनों ने दो जो इसके समीकरण है गति की कर लिए, तीसरी समीकरण नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज का टॉपिक अपने लिए फिलहाल यहाँ तक कंप्लीट है।